सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं रियाजी नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची में ऑरेंज लाइन के मेन टर्मिनल पे। पिछली वीडियोस में हमने ग्रीन लाइन के बारे में आपको बताया था, तो ग्रीन लाइन के जब टर्मिनल पे हम गए थे वहाँ पे ऑलरेडी 40 बसेज आ चुकी थी और आपको ग्रीन लाइन के रूट के बारे में भी बताया था, जबकि ग्रीन लाइन के बारे में आपको ये भी बताते चले कि मजीद 40 बसेज और भी वहाँ पे आ चुकी हैं, टोटल अब 80 बसेज हो चुकी हैं। जबकि आज हम मौजूद हैं ऑरेंज लाइन के मेन टर्मिनल पे, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम तेज चल रहा है और इस काम को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 2022 में अनाउंस किया गया है कि ऑरेंज प्रोजेक्ट को जो है ना वो फाल कर देंगे। आपको बताते चलें, ऑरेंज प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इसको कनेक्ट किया गया है ग्रीन लाइन के साथ। आपको रूट के बारे में हम बताते हैं कि निशाने हैदर चौक है ऑरेंज लाइन का पहला पॉइंट, वहां से जो है ना ये अपना सफर स्टार्ट करेंगे और ग्रीन लाइन का एक पॉइंट है वहां तक जो है ना इसके चार पॉइंट्स कवर होंगे। उसके बाद किसी पैसेंजर ने अगर तो सरजानी वाली साइड पे जाना है तो वो वाली बस पकड़ेगा ग्रीन लाइन की, और अगर किसी ने टावर वाली साइड पे जाना तो वो उस चौक पे जाके टावर वाली बस पकड़ेगा। तो बेसिकली ये ऑरेंज लाइन सपोर्ट करेगा, स्पेशली इस इलाके को सपोर्ट करेगा और यहाँ के लोगों को ये आसानी होगी कि वो ऑरेंज लाइन के जरिए ग्रीन लाइन तक असेस करेंगे और फिर ग्रीन लाइन पे पहुंच के उन्होंने जिस साइड पे भी जाना है, टावर वाली साइड पे जाना है तो वो वाली बस पकड़ेंगे, अगर उन्होंने सरजानी टाउन वाली साइड पे जाना तो फिर वो सरजानी टाउन की बस पकड़ेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं, काम काफी तेजी से जारी है और 2022 का वादा है सिंध हुकूमत का कि ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। इसके चार टोटल स्टेशन है, हम आपको स्टेशन के बारे में भी डिटेल देते रहेंगे। ऑरेंज लाइन के पहले स्टॉप पे मौजूद हैं। इस स्टॉप को निशान हैदर चौक बोला जाता है, जो पहला स्टॉप है। बेसिकली ये आपको बताते चले कि ये जो औरंगी टाउन है ना, इसको कवर करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। चार स्टॉप है, इसके पहले स्टॉप की हम बात कर रहे हैं कि निशान हैदर जिसपे हम मौजूद हैं, यहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी और आगे स्टॉप है और ये गाड़ियाँ जो है ना जाके ग्रीन लाइन पर जो बोर्ड ऑफिस वाला पॉइंट है वहाँ पर जाके ऑरेंज लाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको बताते चले कि ग्रीन लाइन सरजानी से लेके आपका जो है वो म्यूनसिपल पार्क तक जो है ना उसका रूट है, जबकि फर्दर अक्सर दोस्त ये भी पूछते हैं कि टावर तक क्यों नहीं है, तो वो फर्दर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में है कि म्यूनसिपल पार्क से आगे टावर तक एक और प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह 2022 या 23 में स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑरेंज लाइन की बस से वहां पर पहुंचेगी बोर्ड ऑफिस और उसके बाद जिस पैसेंजर को अगर तो सरजानी साइड पे जाना होगा तो वो सरजानी साइड वाली बस पकड़ेगा और जिसको टावर वाली साइड पे जाना होगा तो वो पैसेंजर जो है वो टावर साइड वाली बस को पकड़ेंगे। तो बेसिकली औरंगी टाउन को कवर किया गया ऑरेंज लाइन के थ्रू और ये औरंगी टाउन के लोगों के लिए बहुत जबरदस्त तोहफा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके साथ ही जो है ना हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि ऑरेंज लाइन पे कितना काम हो चुका है, इनके चारों स्टेशन की आपको कंडीशन दिखाएंगे कि कहाँ तक काम पहुंच चुके और कितने अरसे में स्टार्ट होने जा रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि सिंध हुकूमत ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 2022 में वो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर देंगे। निशाने हैदर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे काफी हद तक काम हो चुका है, स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीट हो चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि छत भी जो है कम्प्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ वो पेंटिंग का काम चल रहा है। इसी तरह से अभी देख लें कि मैक्सिमम काम कम्प्लीट हो चुका है, बस तो कुछ काम ऐसा जो रहता है वो उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले 2-3 माह में पूरा हो जाएगा और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाएगा।
पे नहीं है, फ्लाई ओवर के थ्रू ये जो बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए जो है ना टिकट कह रहे हैं, यहाँ पे आप आएंगे, आप आके टिकट लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद टिकट लेने के बाद आपने जो है ना मूव करते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे फिर गेट लगेंगे, जगह आपने वो टिकट जो कूपन मिलेगा उसको पंच करना होगा, फिर मशीन आपको अंदर जाने देगी। तो क्योंकि इसका भी काम चल रहा है और हमने आपको जो है ना बता दिया है। स्टॉप नंबर 40 के भी आप एक्सीलेटर को देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत की हुई है।